हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मतलब एक बॉडी हमारे पास जो है इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल, मतलब वो फॉल कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, और कोई भी फोर्स नहीं लग रही, बस एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे फॉल कर रही है। हमने उसमें बताना है कि मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये हर एक पॉइंट पे सेम रहेंगे, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉडी कंसीडर करते हैं। देखो ये बॉडी, ये इसकी हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इसके बाद दो पॉइंट्स और लेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा, इसको ए का नाम दे दो, ये पॉइंट बी है जो कि थोड़ा सा ऊपर है सरफेस से, ठीक है। इसके बाद देखो एक और पॉइंट ले लिया सी, ये बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, इसको मान लो एक्स डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एक्स आ गया, तो बाकी बचा एच माइनस एक्स। तो अब हमने प्रूव कर देना है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स पे जो मैकेनिकल एनर्जी है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो सेम आएगी। ये चीज प्रूव करेंगे तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूव हो जाएगा फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट ए से, ठीक है। एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे क्या होगा, ध्यान दो, हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, यहां पे वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि यहां से बॉडी को फेंका गया, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर को यहां से छोड़ दूं तो इस पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो रहेगी। मैं यहां पे लिखता हूं वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो। अब वेलोसिटी इसकी जीरो है, देयरफॉर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी जीरो होगी। जीरो क्यों होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, और वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी यहां पे जीरो रहेगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, अब पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे जो कि mg इनटू हाइट, ठीक है, mg इनटू हाइट, इस केस में हाइट है h, ठीक है। तो ये बॉडी क्योंकि h हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी be इक्वल्स टू mg h। इसकी वजह से जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ध्यान देंगे मैकेनिकल एनर्जी ME इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी MGH और काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो MGH के इक्वल है। तो पॉइंट ए पे हमने देख लिया टोटल मैकेनिकल एनर्जी MGH के इक्वल है। अभी देखते हैं पॉइंट बी पे, अभी ध्यान देंगे पॉइंट बी पे, ठीक है। पॉइंट बी पे देखो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो थी और नीचे जाते जाते, ठीक है, नीचे जाते जाते इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी जो है हम सपोज करेंगे वी के इक्वल होगी और ये मैक्सिमम होगी, ठीक है, और यहां पे इसकी हाइट होगी जीरो। तो देखो सबसे पहले हम निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी जो आगे यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी वी थी तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम वी स्क्वायर। अभी हम यहां पे अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू टाइम्स ए एस, तो ये देखेंगे क्या बनेगा। तो देखो वी स्क्वायर, ठीक है, वी आ गई फाइनल वेलोसिटी जो कि मैक्सिमम है वी, और इनिशियल वेलोसिटी यहां से जब ये स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी थी जीरो, तो माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू टू टाइम्स एक्सेलरेशन, इसकी इक्वल होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जी, और डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक इसकी डिस्प्लेसमेंट एच के इक्वल होगी, तो हम लिखेंगे टू जी एच। तो ये मिल गया हमें वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू टाइम्स जी एच। इस v स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी में यूज करके देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ
एम वी स्क्वायर आ गया टू जी एच के इक्वल, तो ये बन गया एम जी एच, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे, क्योंकि बी पॉइंट जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ से, ठीक है, जीरो मीटर हाई है, यहां पे हाइट कितनी है, जीरो है, इसलिए हम लिखेंगे एम जी एच इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हाइट यहां पे जीरो थी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी देख ली हमने, काइनेटिक एनर्जी भी, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे हमें मिली एम जी एच प्लस जीरो इक्वल्स टू एम जी एच, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर टू। तो ए पॉइंट पे मैं यहां पे लिख रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी एम जी एच के इक्वल आई, और बी पॉइंट पे भी मैकेनिकल एनर्जी एम जी एच के इक्वल आई। अभी बीच में एक पॉइंट है सी, जो कि एच माइनस एक्स हाइट पे है, यहां पे हम मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ध्यान से, तो पॉइंट सी पे देखते हैं, एट पॉइंट सी, तो ध्यान देंगे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, जो होगी हाफ एम, यहां पे मान लो वेलोसिटी जो है वी डैश के इक्वल, तो हम लिखेंगे वी डैश स्क्वायर। अभी वी डैश की वैल्यू निकाल ली हमें, तो हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, वी डैश स्क्वायर माइनस यू डैश स्क्वायर, यू तो सेम रहेगा, इक्वल्स टू टू टाइम्स ए एस। अब ये वी डैश की वैल्यू निकालने के लिए देखो, वी डैश स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, तो माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू टू टाइम्स एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है एस, वो है एक्स के इक्वल, तो हम लिखेंगे टू जी एक्स। इसका मतलब वी डैश स्क्वायर आ गया टू जी एक्स। तो यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम, और ये वी डैश का स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे 2gx, तो ये बन गया mgx। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी mg इनटू हाइट, तो सरफेस ऑफ अर्थ से ये कितनी हाइट पे है, ठीक है, h माइनस x, तो पुट कर वैल्यू h माइनस x, तो मैकेनिकल एनर्जी आई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एम जी एक्स और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करके हमें मिल रहा है एम जी एच। तो ये आगे इक्वेशन नंबर थ्री। हमने ए पॉइंट पे देखा मैकेनिकल एनर्जी एम जी एच आई, बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी एम जी एच आई, और सी पे भी हमने प्रूव कर दिया मैकेनिकल एनर्जी एम जी एच आई। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। अगर तीनों पॉइंट्स पे मैकेनिकल एनर्जी सेम रह रही है, तो हम बोलेंगे दस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी इन केस ऑफ फ्री फॉल। क्लियर है? तो तीनों पॉइंट्स पे हमने प्रूव किया मैकेनिकल एनर्जी इक्वल है, इसलिए हम बोलते हैं कि फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो यही था हमारा क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का लिखना है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।